खोजी खबर और अच्छी खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जोड़ दबाएं। अगर खबर अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सिवान में खुल गया है सभी सुविधाओं से लैस फुल्ली कंप्यूटराइज एक्यूरेट डायग्नोस्टिक्स लैब। अब जांच के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सभी प्रकार की जांच अब सिवान में उपलब्ध है। सिवान में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर अब पुलिस कार्रवाई की कवायद में जुट गई है। आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सिवान पुलिस ने सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कदम मोड़ पर 27 जून को हुए 8,50,000 रुपये के लूट मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। यह अभियुक्त सिवान के ही रहने वाले हैं। इन अभियुक्तों के पास से लूट के 1,54,000 रुपये के साथ साथ 2 देसी कट्टा और 4 गोलियां भी बरामद हुई हैं। साथ ही साथ जो स्कूटी लूट में उपयोग किए गए थे उस स्कूटी को भी जब्त कर लिया गया है। सिवान एसपी नवीन चंद झा ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक अनुरुद्ध प्रसाद और मुफस्सिल थाना प्रभारी के संयुक्त रूप से की है। गिरफ्तार तीनों अभियुक्त सिवान के ही रहने वाले हैं, जिनमें रोहित कुमार फतेहपुर बाईपास कराने वाला है, रमेश कुमार यादव भादा खुट कराने वाला है और नन्हे कुमार मखदूमसराय कराने वाला है। फिलहाल पुलिस इसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है और इस लूटकाट में सम्मिलित बाकी अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बातें कह रही है। संख्या 39-16 जो लूट और हत्या से संबंधित केस है। इसके अलावा 51-16 जो आर्म्स एक्ट के केस हैं और मुफस्सिल थाना कांड संख्या 301-12 जो चोरी और इसी एक्ट का केस है, उसमें ये जेल जा चुका है और अभी जमानत में बाहर है। जो 3-4 अपराधी बाहर हैं उनकी भी पहचान हो गई है और ये वो लोग भी अभी हाल ही में जेल से जमानत पे बाहर आए। पिछले वर्ष वो जेल भेजे गए थे कुछ कांडों में, लूट के ही कांड थे वो, और उसमें वो सभी लोग जेल में रहे हैं 6-7-8 महीने और भी पिछले 2 महीने में वो लोग जेल से बाहर आए हैं और पुनः इस प्रकार के कांडों में शामिल हो रहे हैं।